जेसीआई गोरखपुर स्वराज के तत्वाधान में 7 दिवसीय महिला उत्सव बंधन के उपलक्ष्य में पहले दिन महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं व बच्चियों को उनके विचारों, निर्णय और उनके अधिकारों को समझाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय गुजराती मोहल्ला धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस दौरान संस्था की अध्यक्ष जेसी वसुंधरा सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही संयोजिका जेसी सिंधुजा अरोरा ने सभी अतिथियों, महिलाओं और बच्चियों को कार्यक्रम से अवगत कराया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रूपल तिवारी ने सभी महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में बताया व हम किस हद तक किन घटनाओं को छेड़खानी के अंतर्गत रख सकते हैं इसके बारे में समझाया और अगर हम इसके भुक्तभोगी हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 181-1090 दिया और यह आश्वासन दिया कि कोई भी समस्या होने पर महिला पुलिस सभी महिलाओं व बच्चियों के साथ खड़ी है। इस दौरान जेसीआई की तरफ से निक्की रायनी ने महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। साथ ही संस्था की सेक्रेटरी सिल्की अग्रवाल ने सबका आभार ज्ञापन किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने कहा, अनुराधा जैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चीफ गेस्ट मिसेज अर्चना सिंह का गार्लैंडिंग करें। आप सीनियर एडवोकेट रूपल तिवारी जी को गार्लैंडिंग करें। बुलाया गया है इसलिए कि सरकार द्वारा जो है आप लोगों को सशक्त बनाने के लिए, मतलब मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं ताकि आप लोग सशक्त बने। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे रहते हैं, आपको आते जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिल पाती होगी, तो हम लोग आपको यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आपको जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसके बारे में आपको बता सके, जिससे कि आप अपने सुरक्षा खुद कर सकें। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो अपने अंदर जागरूकता लाना। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं या उनके साथ जो अपराध हो रहे हैं, वो तभी कब होंगे जबकि आप जैसी महिलाएं जागरूक होंगी, बच्चों की केयर करेंगी, उनको क्या सही है क्या गलत है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना है, ये आप उनको बताएंगे। और आपको इस बारे में नहीं पता तो हम लोग बताएंगे कि क्या आपको बच्चों को सिखाना है, क्या बताना है। पुलिस जो है हमेशा आपके साथ, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है, लेकिन हम तो तभी जानेंगे ना कि आपको क्या समस्या है जब आप आएंगी और हमें बताएंगी। जब बताएंगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको दिक्कत क्या है। पुलिस के जो है आपके हेल्पलाइन नंबर बनाए गए हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपनी बात हमें कह सकते हैं। ठीक है, दैट द ब्रदरहुड ऑफ मैन ट्रांसेंड्स द सोवरेनिटी ऑफ नेशन, दैट इकोनॉमिक जस्टिस कैन बेस्ट बी वॉन बाय फ्री मैन थ्रू फ्री एंटरप्राइज, दैट गवर्नमेंट शुड बी लॉस रादर देन मफ मैन, दैट राइट्स आर यू प्लीज। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आप लोगों के ऊपर, उसके बाद भी आप लोगों ने महिला सशक्तिकरण का नाम सुनते ही हम लोगों का साथ देने के लिए आप लोग आ गए, और जिस जगह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की धन्यवाद है। हम लोग भी आपको अपना सपोर्ट देंगे, हम लोग सब लोग एक दूसरे का साथ लेके आगे बढ़ेंगे। उसकी तरफ से हम लोग ये महिला सप्ताह मना रहे हैं जो आज से शुरू होता है 2 तारीख से और ये 8 तारीख तक चलेगा। हम लोग हर दिन कोई ना कोई नए कार्यक्रम इसमें करेंगे। आप हमारे लिए और हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। हम सब आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अगर हमारे समाज की महिलाओं में जरा भी साहस और हिम्मत आ जाए तो हमारा समाज और हमारी महिलाओं का भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं निकी रानी अपने विचारों को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद। ये JCI गोरखपुर स्वराज की तरफ से यहाँ पे एक स्लम बस्ती में जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ज़्यादातर इन जगहों पे कोई आता नहीं, जिस वजह से ये जो महिलाएं हैं जो समाज से अलग थलग रह रही हैं, इनको भी जागरूक करने की उतनी ही आवश्यकता है। जब ये महिलाएं भी जागरूक होंगी, अपने नियम कानून को जानेंगी, तो निश्चित तौर पे ये अगर अपने आप को मजबूत महसूस करती हैं तो हमारा समाज जो है वो मजबूत बनेगा और महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार या क्राइम हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा रोकथाम इसी वजह से हो सकेगी। इन महिलाओं को क्या किन किन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया? महिलाओं को मेन यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको स्वच्छता के बारे में,
उनके जो बच्चे हैं उनको किस तरह उनको परवरिश करनी है, उनको अच्छा बुरा किस तरह उनको समझाया जाए उस बारे में, साथ ही साथ जो उनके महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर्स बने हैं, उनके लिए जो नियम कानून बने गए हैं, जो सुरक्षा के लिए उनके कुछ उपयोगी ट्रिप्स हैं, इन सब के बारे में महिलाओं को अवगत कराया जा रहा है आज। मैम, मिशन के साथ लगातार मिशन शक्ति के क्रम में हम लोगों द्वारा लगातार कभी पार्कों में, स्लम एरियाज़ में, स्कूल में जाकर महिलाओं और बालिकाओं को जितना मैक्सिमम हो सकता है उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को सशक्त महसूस करें, और जब महिलाएं सशक्त होंगी तो निश्चित तौर पे हमारा देश भी सशक्त बनेगा।